हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको कुछ बताने जा रही हूँ एक ऐसे सब्जी के पौधे को ग्रो करना जिसकी सीड्स आपके घर में अवेलेबल होते हैं, जिसको आप सब बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ शिमला मिर्च के बारे में। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी शिमला मिर्च को कैसे हम सीड से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं पौधा, ये हमारा शिमला मिर्च का पौधा है, जिसको मैं आज से करीब 30 दिन पहले इसकी सीडलिंग की थी और इसकी सीड्स मैं कोई मार्केट से नहीं लेकर आई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ वही चीज़ जो मैं जिस चीज़ को अप्लाई करके इसकी सीडलिंग की हूँ और इसे ग्रो की हूँ। सेम चीज़ आप भी उस चीज़ को करिए, आपको भी इसका 100% रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरे अपडेट्स के साथ बनाई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और बेल का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आप सबको करना क्या है, आप सबके घर में तो शिमला मिर्च आती ही है, तो आपको करना क्या है, एक शिमला मिर्च लेना है, एक या दो शिमला मिर्च आप ले ले और उसको इस तरीके से आप कट कर ले। देखिए, मैं यहाँ पर ली हूँ शिमला मिर्च को इस तरीके से। ये पार्ट तो आप ऑलवेज शिमला मिर्च का आप फेंक ही देते हो, तो आज मैं इसी को यूज करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको शिमला मिर्च एकदम मैच्योर चूज करना है, ताकि उसके सीड्स भी अंदर से मैच्योर निकले। तो ये देखिए, ये वाला शिमला मिर्च को मैं एक दिन पहले कट करके रख ली थी, थोड़ा सा ड्राई आपको दिख रहा है ये वाला। और इसके जो दोनों मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, उसके दोनों के सीड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। तो इसी तरीके से आपको भी जो शिमला मिर्च लेना है, उसके सीड्स मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा सीड्स मैच्योर है कौन सा नहीं, तो उसके लिए भी मैं आप सबको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको करना क्या है, एक बर्तन में पानी लेना है और इस तरीके से आपको शिमला मिर्च के सारे सीड्स को निकाल ले, और निकालने के बाद उस सारे सीड्स को आप उस पानी में डाल दें। जो सीड्स जर्मिनेट होने लायक होगा वो सीड्स नीचे चले जाएंगे, और जो सीड्स ख़राब होंगे, जो मैच्योर नहीं होंगे, वो सीड्स ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर के सीड्स को हटा लें और नीचे वाले सीड्स को ही आप ग्रो करने में यूज करें। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से सारे सीड्स को निकाल ली हूँ। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो इसकी मिट्टी आपको एकदम हल्की तैयार करनी है। मैं यहाँ पर मिट्टी में थोड़े से गार्डन सॉइल ली हूँ, थोड़े से पुरानी गोबर की खाद ले रखी हूँ, और मैं जो घर में ऑर्गेनिक तरीके से कंपोस्ट तैयार करती हूँ उसको भी मैं इसमें मिक्स कर ली हूँ। अब मैं सीड्स को लेकर मिट्टी को ऊपर फैला देती हूँ। अच्छे से आपको सीड्स को मिट्टी के ऊपर फैला देने होंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मिट्टी आपको हल्की लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी हल्की आपकी मिट्टी होगी उतने ही ज़्यादा चांस होंगे आपके सीड्स के जर्मिनेट होने का। और इसे मिट्टी के अंदर ज़्यादा बिल्कुल भी ना दबाएं, नहीं तो ये जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम ले सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर डाल देती हूँ, एकदम हल्की मिट्टी इसके ऊपर डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें, एकदम हाफ इंच इसे मिट्टी से कवर कर दें। और ये हो गई हमारी लगभग सीडलिंग की प्रोसेस कंप्लीट। अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। अब मैं इसमें स्प्रे गन की मदद से इसके ऊपर पानी डालूंगी। अगर आपके पास स्प्रे गन नहीं है तो अपने हाथों का यूज करके भी इसमें पानी डाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि एकदम हल्के हल्के इसमें पानी डालें, नहीं तो
इसके सीड्स ऊपर आ जाएंगे, ज़्यादा आप मतलब पानी एक बार में डाल दोगे तो। अब मैं इसे ऐसी जगह पर रख दूँगी जहाँ पर सुबह और शाम की हल्की हल्की धूप आती है, वहाँ पर मैं इसे, और जहाँ का टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री के बीच हो वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब इसमें जर्मिनेशन हो जाए और इसके पौधे जब 4 टू 5 इंच के हो जाएं, तो आप इसे इवनिंग के टाइम में इसे सेपरेट पॉट में या पॉली बैग में ट्रांसप्लांट कर दें। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं भी इसे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दी हूँ। ये हमारा जो दिख रहा है पौधा, ये हमारा 30 डेज का रिजल्ट है, और मैं अब आपको आगे इसके बाद का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 45 डेज बाद का रिजल्ट, हमारे शिमला मिर्च के पौधे में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर कितने बड़े साइज के हैं। अभी मैं आपको नॉर्मल मिर्च का भी पौधा मैं दिखा रही हूँ, इसके फ्लावर ये देखिए कितने छोटे होते हैं देखने में भी। और ये शिमला मिर्च का पौधा है, ये देखिए इसके फ्लावर बहुत ही बड़े साइज के हैं, क्योंकि इसका मिर्च भी बड़ा ही साइज का होता है। और यहाँ पे बहुत सारी इसकी शिमला मिर्च के देखिए फ्लावर, 3 फ्लावर अभी यहाँ पर खिल चुके हैं, इसमें से शिमला मिर्च भी आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद, उसका भी मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कुछ दिन बाद का रिजल्ट, इसमें देखिए शिमला मिर्च आना स्टार्ट हो चुका है कि आप देख सकते हैं इसमें आए हुए हैं। देखिए ऊपर में भी बहुत सारे फ्लावर आ चुके हैं, अभी छोटे छोटे हैं, इसमें से भी बहुत सारे शिमला मिर्च आने बाकी है। तो देखिए इस ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए शिमला मिर्च आना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए इस वाले में भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आप सबको एक चीज़ और दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए ये हमारा नॉर्मल मिर्च का पौधा है, आप देख सकते हैं इसमें भी कितने सारे मिर्च आए हुए हैं और इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग भी हो रही है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको शिमला मिर्च का नेक्स्ट 1 वीक बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये हमारा शिमला मिर्च देखिए अभी थोड़े से बड़े हो चुके हैं, दूसरा वाला भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जैसे जैसे ये जो हमारे नीचे का जो लीफ है इसका ओल्ड होते जाएगा, उसे आपको कटिंग करके हटाते रहना होगा, जिससे कि हमारे पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद नहीं होगी। तो फ्रेंड्स पत्तों को हटाने समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उन्हीं पत्तों को हटाइए जो आपके पौधे के लिए यूजलेस है, मतलब नीचे के जो बेकार पत्ते ड्राई हो चुके हैं, थोड़े से पीले पड़ रहे हैं, उन सबको हटाते रहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा टिप्स नंबर 1, अब मैं आपको नेक्स्ट टिप्स बताऊंगी, टिप्स नंबर 2। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप्स हमारा ये है कि आपके पौधे में जब शिमला मिर्च के पौधे में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय हमारे पौधे को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप चाहे तो मार्केट से भी फर्टिलाइज़र खरीद कर डाल सकते हो अगर आप नहीं बना पा रहे हो घर में, या फिर आप अपने घर में जो ऑर्गेनिक तरीके से जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हो उसे आप डालिए, या पुरानी गोबर की खाद भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं इसमें आज ही पुरानी गोबर की खाद डाली हूँ। आप देखिए अभी इस ऊपर से ड्राई ड्राई दिख रही होगी आप लोग को, तो अभी मैं इसमें वाटर नहीं डाली हूँ। तो इसी तरीके से इसमें जब अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो मैं इसमें एवरी वीक इसमें पुरानी गोबर की खाद थोड़े से, और मैं जो अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ उसको भी मैं बीच बीच में डालते रहती हूँ। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। अब मैं आप सबको बताती हूँ टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 में आपको करना क्या है कि इसमें बिल्कुल भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, नहीं तो इसके जो फ्लावर होंगे पीले पड़ के झड़ जाएंगे। अब मैं आप सबको आगे की अपडेट्स दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 2 मंथ्स बाद का रिजल्ट, हमारा शिमला मिर्च का पौधा की हाइट उतनी ही है, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं इसमें शिमला मिर्च जो है वो अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर मेरी 2 शिमला मिर्च लगभग तैयार हुई हो चुकी है, अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी, अभी मैं इसे 1 वीक और छोड़ दूंगी थोड़े से बड़े होने के लिए, और मेरी जब नीड्स होगी तो इसे मैं फ्रेश एकदम तोड़कर यूज करूंगी
और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटे वाले जो अभी अच्छी तरीके से बड़ी नहीं हुई है, तो यहाँ पे अभी भी फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है इधर भी। और यहाँ पे जो मैं छोटे वाले शिमला मिर्च का सीडलिंग की थी, इसलिए हमारे शिमला मिर्च भी छोटे ही तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने घर में बहुत ही आसानी से जो मैं इसमें मेथड बताई हूँ, टिप्स बताई हूँ, उसको यूज करके आप शिमला मिर्च ग्रो कर सकते हो फ्री में। और तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।